क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सहरसा में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, परेड आयोजन के पूर्व किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। रोहतास में मतदाता दिवस पर डेयरी एसडीएम ने बीएलओ को दिलाई शपथ, बीएलओ को किया गया सम्मानित। भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाई कर्पूरी जी की जयंती, कर्पूरी जी के सद्गुणों का किया गया बखान। नालंदा जिले में मनाया गया कर्पूरी जी की जयंती कार्यक्रम, आरसीपी सिंह ने की कार्यक्रम की शुरुआत। मधुबनी में काष्ठकर्मी संघ ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, जिला पदाधिकारी को संघ ने 9 सूत्री ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। सहरसा में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर स्थानीय स्टेडियम मैदान में ध्वजारोहण व परेड आयोजन में पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्टेडियम मैदान में बीएमपी का एक प्लाटून, पुरुष डीएपी के 3 प्लाटून और अग्निशमन दस्ता समेत कुल 8 स्क्वाड ने भाग लिया। इस दौरान पंक्तिबद्ध परेड सर्वप्रथम जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने खुली जीप से निरीक्षण किया। परेड कदम चाल तथा परेड निष्क्रमण में पाई गई रूढ़ियों को दूर करने का निर्देश जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड कमांडर को दिया गया। भागलपुर सुल्तानगंज के ईदगाह मैदान में राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वां जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान राजद के कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं राजद कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके गुण से सीख लेने की बात कही। नालंदा के रहुई प्रखंड के सोनसा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की शैली चित्र और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने नेता का भाषण सुनने पहुंचे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर कटाक्ष में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। नीतीश बाबू कमजोर किया जा रहा है नीतीश कुमार, अब तो नीतीश बाबू में कोई ताकत ही नहीं रह गई जी, वो तो पूरी तरह से फेल कर गए भैया नीचे। तो नीतीश बाबू में ताकत कहाँ है? अब तो जो भी उनको श्रेय मिलता था ना, वो एकदम श्रेयहीन हो गए। कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, नीतीश बाबू की एक पहचान थी, तो क्या कमजोर करना? जो ऑलरेडी जो ध्वस्त हो चुका है उसको क्या कमजोर करना होता है? नीतीश बाबू का पूरा जो देखिए, जो पूरा है उनका जो सब काम जो करने के लिए वो जाने जाते थे, वो सब खत्म हो चुका है जी।
मधुबनी जिले के विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति ने राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान पर जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन और आम सभा कर 9 सूत्री मांगों का इस्मार पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा। आम सभा का अध्यक्षता मिश्रीलाल ठाकुर ने की और सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश मुख्य संरक्षक रामचंद्र शर्मा ने अति पिछड़ा समाज के अधिकारों के बारे में बात की। निर्माण मजदूर का यह जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी समस्याएं जितनी हैं वह गहराती जा रही है। बेरोजगारी इतनी है जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ऑफिस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, एक भी काम नहीं हो रहा है। और महंगाई के कारण हमारे मजदूर, जो मजदूरों को लाभ मिलनी चाहिए जैसे आकस्मिक घटना में हो, चाहे मजदूरों का जो निबंधन हुआ उसमें जो राशि मिलनी चाहिए ससमय नहीं मिल पा रहा है। हजारों हजार मजदूरों का निबंधन है परंतु लाभ से वो वंचित है, जबकि पूरे बिहार में मात्र टैक्स से जो जैसे रोड बनता है, विभिन्न तरह के कारखाने वगैरह से जो राशि आती है जो मजदूरों के हित के वास्ते है, उसमें जो अंशदान लिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे मजदूरों को लाभ नहीं। रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड कार्यालय पर मतदाता दिवस को लेकर डेहरी SDM चंद्रिमा अन्नी ने सभी BLO को शपथ दिलाई। डेहरी SDM ने मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यालय पर चुनाव में BLO के द्वारा अच्छा कार्य करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस शपथ समारोह में डेहरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी डेहरी संतोष कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अनुपस्थित रहे। मधुबनी के देवधा थाना क्षेत्र के धमियापट्टी गांव में बीती रात नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने डाकाजनी की घटना को अंजाम देकर घर में रखे लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर एवं देवधा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहीं ग्रामीणों की माने तो पुलिस के सामने डकैत भाग रहा था और पुलिस उसे पकड़ने में असफल रही। उसके बाद हमने ऊपर से देखा, देखने के बाद हम कहे कौन है रे? चला से तुम लोग क्या करता? ये लोग चला गया ऊपर, फिर ऊपर गया तो हम पीछे से कूद करके निकल गए। उसके बाद वहाँ से लोगों के साथ लेकर के आए तो ये लोग बम फोड़ना चालू कर दिया। उसके बाद जितना भी मेरा मकान का हर रूम को ताला तोड़ करके जितना सामान था वो सब ले गया। फिर हमको हुआ जो मैंने हम अंधेरा में सब छांव देख रहे हैं तो उधर से हम फिर झाँके तो उधर भी 5 आदमी खड़ा था। तब हम अपने हस्बैंड को उठाए, वो जो हल्ला करने लगे तो गाली देने लगा नीचे से। तब हम अपने हस्बैंड को बोले जो आप भाग जाइए, ये लोग शायद चोरी करने आया, डकैती करने आया है। तो ऊपर उस लोग चढ़ा, हमको धक्का दे के गिरा दिया और उसके बाद हमको बताने लगा कहाँ रखी वो पैसा, क्या कहाँ है तुम्हारा जेवर, कहाँ है पैसा। तो हम चाबी उनको थमा दिए, हाँ सारा नाक में माला ले लिया, कान वाला ले लिया, गला वाला ले लिया, सब कुछ ले लिया है। उसके बाद हम चाबी थमा दिए और हमको रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है,
दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है जहां मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर हथियारों का सप्लाई करता था। आरोपी के पास से पुलिस को देशी राइफल, कट्ठा और हथियार बनाने वाला उपकरण भी बरामद हुआ है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है, जिसमें बिहार थाना क्षेत्र के मोहिद्दीपुर मोहल्ले में अरुण रविदास, उनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अवैध जो हथियार है उसका निर्माण करते हैं। इस सूचना के सत्यापन किया गया तो उनके घर से, मोहिद्दीपुर घर से एक देशी पिस्तौल, एक देशी राइफल। नवगछिया NH 31 पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट हो गई। बता दें कि 10 की संख्या में आए अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर SP सुशांत कुमार सरोज व SDPO दिलीप कुमार दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। 5 अपराधी लगभग 4:15 बैंक में आकर के लूटपाट किया है। लगभग 9 लाख कुछ रुपये लूट ले गया है। पाँच लोग देख रहे हैं अपराधी कौन है, लोग देख रहे हैं। सर, किस तरह की घटना हुई है? मारपीट भी हुआ अंदर में? क्या हुआ घटना अंदर में? मारपीट किया, लपड़ थप्पड़ किया है, लपड़ थप्पड़ करके वो लोग को कैप्चर कर लिया है। हाँ। और लूटपाट किया है, 9 लाख कुछ रुपये ले गया है, सब देख रहे हैं। तो CCTV में फुटेज सर सब देख रहे हैं। सर, मास्क में था या किस तरह से अपराधी था? मास्क में था, मास्क था, कुछ का मास्क खुला हुआ भी था। 3:50 पर 5 अपराध कर्मी हथियार के साथ बैंक ऑफ इंडिया में घुसे और इन्होंने जो गार्ड था उसको कब्जा करके यहाँ पे डकैती की घटना को अंजाम दिया और 9,38,000 रुपये बैंक से लूटने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और घटना में जो 5 अपराध कर्मी हैं, CCTV में जो फुटेज प्राप्त हुए हैं वो सभी मास्क लगाए हुए थे, लेकिन जो भी अपराध कर्मी हैं निश्चित रूप से पहचाने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में भागलपुर, बांका सभी जिला को और सीमावर्ती जिला को भी अलर्ट किया गया है। सभी जगह हमारी कार्रवाई चल रही है। पतरघट ओपी क्षेत्र के पामा पंचायत स्थित काली स्थान वार्ड नंबर 3 में एक ही परिवार के 3 भाई के साथ कमरे की ताला तोड़कर डकैती चोरों के द्वारा किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना में क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलमारी सहित घर पर कई चीजों पर चोर अपना हाथ साफ करने में सफल रहे हैं। घटना की सूचना पतरघट ओपी पुलिस को दी गई है। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। हम लोग यहां नहीं थे, रात में सुबह में यहां से फोन गया, जो घर का सारा ताला टूट चुका। हम लोग सहरसा में रहते हैं, अभी आ रहे हैं तो देखते हैं सारा रूम का ताला टूट चुका है। पीतल का जितना भी बर्तन था वो सारा बर्तन चोरी हो गया। पूजा का जो भी बर्तन था वो भी चोरी हुआ। एक बड़का टोपिया था एल्युमिनियम का, वो चोरी हुआ। एक बड़का लोहिया था वो चोरी हुआ। उसके बाद वेपर था घर में, वो भी चोरी हो गया। एक पंखा चोरी हुआ और उसके बाद जो है एक मोटर था, वो भी मोटर चोरी हुआ। 2 चापाकल खोल के ले गए। सहरसा में गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने एक जमीन ब्रोकर सनोज यादव को टहलने के दौरान सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित काली मंदिर के पास हथियार बंद अपराधियों 3 को गोली मारी। गोली कनपट्टी पर लगी, जिन्हें गंभीर हालत में जख्मी को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया।
भीड़ में ऐसे ही चलाया, लग गए। भीड़ पे चला रहा था गोली? नहीं, दो तीन लड़का सब सामने था, उस सबके साथ जितना लड़का था वो सब मतलब उधर से दौड़ते हुए गोली चलाते हुए उधर दौड़ा तो मारने के लिए, और सब जो वहाँ पर दूसरे के था जो सब लड़का था मार पीट जिसका हुआ था, उस सब लड़का वो आप पर टारगेट करके नहीं किया? नहीं, टारगेट था मेरे पे, मतलब सामने तो हम भी नहीं थे वहाँ पर, सब आप भी भाग रहे थे? सब भाग रहा था, भागने में लगा बगजग, पता नहीं उन लोग का कोई पुराना मैटर था, हम लोग हम भी वहाँ पे थे, हम हुआ था अपने कोचिंग के लगा पक्षी भी हो गया तो वहीं पर सब आदमी इकट्ठे थे। कितना आदमी तुम लोग थे? हमको नहीं उतना था, अठारह आदमी। कितना की संख्या में था गोली चलाने वाला? इक्की को था, कौन था नहीं पहचान। गोली चलाने वाला एक ही था? वो भी छात्र है ना। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।